एक रेसिपी है जो रेसिपी नहीं, क्या कहते हैं उसको, रायता है, और उस रेसिपी का नाम है रोगन जोश। मतलब रोगन जोश के नाम पे सब कुछ बन चुका है, हम भी बना चुके हैं, हाँ। लेकिन असल रोगन जोश जो है वो 99% उन रेसिपीज के नज़दीक भी नहीं जो कि वाजवान में बनता है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर भरार। वाजवान जैसा रोगन जोश तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन रोगन जोश की एक ऐसी रेसिपी जो क्लोज टू ओरिजिनल टेस्ट दे, आप तक पहुंचाने का प्रॉमिस करता हूं। होस्ट लीजिए, रेडी हो जाइए, म्यूजिक के उस पार मिलते हैं रोगन जोश के साथ। कॉलिंग एंड एक्शन। जी साफ कहना, सुखी रहना। मटन रोगन जोश जो है जब बनता है कश्मीर में तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे नहीं बनता है, क्योंकि कश्मीर में ये बनता है वाजवान में। और वाजवान में क्या लिया जाता है, पूरा का पूरा मटन का जो है बकरा लेके या भेड़ लेके उसको बॉईल कर लिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। ऐसे मत देखिए, हड़ताल पे हूँ मैं, नहीं बनाऊँगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन नहीं दबाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। तो सबसे पहली भ्रांति है कि मटन रोगन जोश भून के बनता है। मटन रोगन जोश भून के नहीं बनता, उबल के बनता है। लेकिन मैं आपको भून के सिखाऊं, क्योंकि आप वाजवान रेप्लिकेट नहीं कर सकते उस तरह की गर्मी, उस तरह के कॉपर के बर्तन, इसलिए मैं आपको भून के सिखाऊंगा। वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, टेस्ट भी मज़ेदार आएगा। अभी दूसरी चीज़ क्या है कि मटन रोगन जोश में जो रंग आता है, जो रोगन एकदम जोश वाला आता है, वो दो चीज़ों से आता है। एक तो ये रतन जोग, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। असल में जो इस्तेमाल होते हैं वो ये साहब है, कॉक्सकूम फ्लावर जिसको हम बोलते हैं, इसको कश्मीरी में मवल बोलते हैं। इसका पाउडर भी मिलता है मवल का, और ये साबुत फूल भी सूख के मिलता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मवल का रंग निकालना है असली रोगन जोश के लिए। पहले क्या होता था कि हर एक के आंगन में बड़ा कॉमन फ्लावर होता था ये कॉक्सकूम, इसी को लिया, इसका रंग निकाल लिया, बड़ा आसान होता था। सबसे कॉमन जो रंग देने के लिए रोगन जोश में वो ये मावल यूज़ होता था, ठीक है ना। अब बाकी की रेसिपी पे जहाँ पर भी लिखा गया है कि भाई रोगन जोश में पहले आप तेल लीजिए या वर्स्ट घी लीजिए, घी डाल के पहले प्याज भूनिए, प्याज ब्राउन कर लीजिए, फिर मटन उसके अंदर भून लीजिए, फिर टमाटर डाल लीजिए, उन रेसिपियों को तो सलाम बोल दीजिए, वो तो बहुत ही दूर हैं घर से, राइट। टमाटर और कश्मीर का कोई कनेक्शन नहीं है। तो पहली चीज़, ताज़ा प्याज, ताज़ा अदरक, ताज़ी मिर्च, ये सब कश्मीर में ना लॉटरी है, तो ये सब कश्मीरी खाने में यूज़ नहीं होता। दूसरी चीज़, रोगन जोश कभी देसी घी में नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ सरसों के तेल में बनता है। तीसरी चीज़, अगर आप अच्छा रोगन जोश बनाना चाहते हैं तो बकरे की जो रान है वो लें, मतलब बकरे की जो टांग है वो लें, हाँ। टांग में विद बोन विदाउट बोन आप अपने कसाई से कह के, बुचर से कह के लगभग 1.25 इंच के पीसेस करवा लें। रोगन जोश कभी छोटे छोटे पीसेस से नहीं बनता, बड़े बड़े पीसेस से बनता है। रोगन जोश चंकी होना चाहिए। लौंग और मिर्च दोनों चटकेगी, इसलिए थोड़ा दूर हो गए, हीरो नहीं बनना। दूसरा क्या है, जब आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं ना, तो उसको थोड़ा उफनने दीजिए, थोड़ी उसकी हार्शनेस निकलेगी, स्मोक करने दीजिए उसको। तीसरा, जो भी रेसिपी आपको ये कहे कि पहले अपने मटन को मैरिनेट कर लीजिए, थोड़ी देर दही लगा के छोड़ दीजिए, अगर अच्छा रोगन जोश बनाना है तो मटन को मैरिनेट करना ज़रूरी है, पहले जी इस रोगन जोश जो है भेड़ से बनता है, मैरिनेशन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि गोश्त जितना ताज़ा हो उतना अच्छा है। रोगन जोश जो है उसकी कहानी वाजवान से जुड़ी हुई है, और वो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। फ़िलहाल के लिए गोश्त ताज़ा इस्तेमाल करें, और उसमें नमक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर मटन को भून भून के ब्राउन नहीं करना, ये जो भुनाई और तड़के वाला काम है ये कश्मीरी खाने में, कश्मीरी वाजवान में नहीं होता। जो तड़का मारने वाले लोग हैं, चीज़ें भूनने वाले लोग हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कैसे हाई टेम्परेचर पे नेचुरल चर्बी और पानी के उबलने और भुनने से जायका आ सकता है, इमल्सिफिकेशन से जायका आ सकता है, वो कश्मीरी वाजवान से ही हो सकता है। लेकिन घरों में ना उस लेवल की हीट होती है और ना ही उस तरह के बर्तन होते हैं,
इसलिए उस रेसिपी को एक घर के रोगन जोश के लिए ढालना ज़रूरी था। इसलिए मैंने अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बेस्ट रोगन जोश रेसिपी है जो कि क्लोज टू ऑथेंटिक है और घर पे भी बन सकती है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। दूसरी बार बनाऊँ, तीसरी बार नहीं बनाऊँगा। जिसने इस बार मिस कर दी, मिस कर दी, ठीक। देखिए क्या खूबसूरत रंग निकला है। देखिए आप, ये जो कॉक्सकूम है, मवल है, ये सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये रंग जो है कपड़ों के लिए, कपड़ों को डाई करने में इस्तेमाल होता है। कायदे से ये दही रोगन जोश में नहीं जाना चाहिए। जो एक बार यखनी बन जाती है, वही जगह जगह, वही स्टॉक जगह जगह जाता है, उसी में रोगन जोश बनता है। यखनी आपकी बनी हुई है जिसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत दही गया हुआ है, तो आपको ये वाला दही नहीं चाहिए। सिर्फ मिर्च के रंग को उठाने के लिए हल्दी डालनी है। कश्मीरी जो रोगन जोश है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके कट्स चंकी होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, राइट। जो स्पेशल कट्स होते हैं उन्हीं का रोगन जोश बनता है, छोटे मोटे कट्स तो यहाँ वहाँ निकल जाते हैं। अभी जो कश्मीरी मुस्लिम वाजवान होता है, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज़ होता है जिसे कहते हैं प्राण। प्राण यानी कि कश्मीरी अनियन, एक छोटा सा कश्मीरी शैलेट होता है, इसमें नटीनेस होती है, वो फ्राई होके उसका पेस्ट रहता है। आप देखिए कोई भी वाजा होता है, उसके पास दो पेस्ट हमेशा रहते हैं, एक मिर्च का पेस्ट और दूसरा प्राण का पेस्ट। जो प्राण है थिकनिंग के लिए, मिठास के लिए यूज़ होता है, मिर्च जो है वो रंग और तीखेपन के लिए यूज़ होती है। तो आप चाहें तो या तो सिर्फ देगी मिर्च यूज़ कर लें, या फिर मिर्च को सोक करके उसका पेस्ट बना लें। फ्राई प्याज बनाना मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ये वही फ्राई प्याज है, इसका पेस्ट बना के भी रख लें। ये दो पेस्ट बना के रख लें, बेड़गी मिर्च या कश्मीरी मिर्च को बॉयल करके उसका पेस्ट, और ये प्राण यानी कि शैलट को फ्राई करके उसका पेस्ट। अगर प्राण नहीं है तो रेगुलर ब्राउन अनियन पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है, अगर आपकी ग्रेवी में धीरे धीरे चमक आ रही है, इसका मतलब भुनाई सही हो रही है। कश्मीरी भुनाई यही है कि बस वो पानी के साथ में चर्बी की भुनाई कश्मीर की भुनाई है, ठीक है। अलग से मीट में भुनने को कश्मीरी भुनाई नहीं कहते हैं। इसलिए ऐसे ही बनाएगा रोगन जोश। आप कश्मीर जाए ना तो आपको मवल भी मिलेगा, ऐसा ड्राइड मवल भी मिलेगा, और मवल पाउडर भी मिलेगा। आप मवल पाउडर मत लीजिएगा, उसमें कई बार ना मिलावट होती है, लोग रंग मिला देते हैं। और इसको मसलिन क्लॉथ से इसलिए छाना है, कई बार इसमें वो हो जाते हैं, मतलब बाल होते हैं ना मवल में, तो आ जाते हैं, तो इसलिए मसलिन क्लॉथ से, मलमल से या कपड़े से छान लीजिएगा, ताकि रिस्क फ्री हो जाए आप। कभी भी आप देखें, कश्मीर में जब गोश्त खाते हैं तो ऐसा लखनऊ जैसा गोश्त नहीं होता कि मुँह में डाला और एकदम दांत भी ना चलाने पड़े। गोश्त में हल्की सी बाइट होती है, क्योंकि अगर उसको उस स्टेज तक लेके गए तो फिर वाजवान में उस गोश्त का बन जाएगा भाथा, और आप कहेंगे रणवीर आपने नहीं, वाजा कहेंगे नहीं, वाजा को हम क्या कह सकते हैं, आप ही कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। वाजा यानी कि कुक्स, जो वाजवान बनाते हैं, चीफ कुक्स। रंग बदलने का कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक तो हमने डाल दिया है उसमें हमारा मवल, दूसरा हम डालेंगे ये मिर्च को सोक करके जो हमने बनाया है वो पेस्ट, प्राण का पेस्ट। कश्मीर जाएं या कश्मीर में कोई दोस्त हो तो उसको बोल के जरा बुलवा लें, मतलब मंगवा लें, क्या ड्राई प्राण मिलता है वहाँ पे। अब इसको करना है रिड्यूस, और जब तक ये होगा रिड्यूस तब तक अपना गोश्त हो जाएगा रेडी, और खाने की करेंगे तैयारी। तब तक के लिए बैठ के थोड़ी वाजवान की बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं हम? देखिए वाजवान को ना बहुत कॉम्प्लिकेट किया गया है। वाजवान जो है वो बेसिकली दावत है, और दावत में जैसे बाकी हिंदुस्तान में कहीं बकरे कटते हैं, वहाँ पर भेड़ कटती हैं, और भेड़ जब कटती हैं तो उसके बाद, या अगर बकरे कटते हैं तो उसके बाद वो पूरा बकरा कट के उसकी जो दावत होती है उसको वाजवान कह देते हैं। अब जैसे एक लाइन में हांडियाँ लगी हुई हैं, और वो एक लाइन में हांडियाँ ऐसे लगती हैं ताकि हांडियों की हीट जो है ना वो एक दूसरे को लगती रहे, क्योंकि कश्मीर में ठंड इतनी पड़ती है। हर हांडी में अलग अलग कट्स डाले जाते हैं और गर्म आंच पे उनको उबाला जाता है, और उस उबलते हुए, भुनते हुए,
जो कंकॉक्शन स्टॉक यखनी के अंदर जो अलग चीज़ें बन जाती हैं बस वही वाजवान। हाँ, तो तड़के लगाना और वो गोश्त ब्राउन करना, मैं इसीलिए बार बार कह रहा था ना, वो कश्मीरी फूड इज़ टू सिंपल एंड टू ब्यूटीफुल फॉर दैट। हाँ, तो इसलिए कश्मीरी खाने को तड़का ना लगाएं। कश्मीरी खाने को जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कश्मीर के लोग जो है ना वो वाकई मतलब कश्मीरी खाने की तरह सिंपल, एलिगेंट और कम में ज्यादा की सोच रखने वाला है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप कश्मीरी पंडित किस्म का रोगन जोश बना रहे हैं तो उसका गाढ़ापन कम इसलिए भी होगा बिकॉज उसको वो ब्राउन अनियन पेस्ट गाढ़ा नहीं करेगा, अनियन गार्लिक ये सब नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सौंठ ज़्यादा जाएगी और हींग जाएगी, इस वजह से कश्मीरी पंडित रोगन जोश पतला होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, डिश बन गई है, खूबसूरत है, एकदम चमक रही है, जैसे मैंने पानी के साथ में एक्सट्रैक्ट बनाया है मवल का, है ना, कॉक्सकूम फ्लावर का, वैसे ही आप अगर तेल या घी लेंगे और उसके अंदर रतन जोत डाल के और उसको पका लेंगे तो रतन जोत जो है वो मैंने आपको जो बार्क दिखाई थी वो अपना रंग तेल या घी में छोड़ती है। हाँ, अब ये जो ऊपर ये आया है ना, ये एकदम लाल लाल रोगन, इसी से रोगन जोश जो है वो रोगन जोश बनता है। जब तक ऊपर ऐसे जोश वाला मतलब लाल रोगन नहीं आएगा, रोगन जोश जो है वो रोगन जोश नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप ग्रेवी की शाइन देखिए, चमक देखिए, ग्रेवी की स्मूथनेस देखिए, चिकनाहट देखिए आप। अरे इनसे मिलिए, यह है तरामी उर्फ कश्मीरी प्लेट और यह है सरपोश उर्फ कश्मीरी क्लॉश। जब आप अच्छे वाजवान में खाना खाने बैठते हैं तो आपको चावल और कबाब ये सब ऐसे तरामी पे मिलता है, हैं? और उसके बाद क्योंकि ठंड इतनी पड़ती है कश्मीर में, खाना ठंडा ना हो इसलिए ये मॉडर्न डे क्लॉश और कश्मीर का सरपोश उसके ऊपर रखा जाता है। तो आज हम वाजवान वाली फील लेते हुए और फिर रोगन जोश खाएँगे। देखिए गोश्त का बढ़िया गला है, देखिए ये मैंने कहा मजा ना आए, पैसा वापस। वाह, ग्रेवी जो अपने जूसेस में गाढ़ी हुई है साहब, और जो चिकनापन ग्रेवी में आया है, फुल फुल पैसे वसूल। कश्मीर की याद आ गई। परफेक्ट। वो इतने सालों से वो भुना तड़के वाला पंजाबी स्टाइल टमाटर डाल के रोगन जोश बना रहे हैं, एटलीस्ट क्लोज टू रियलिटी वाला बना लीजिए ना आप, प्लीज बनाइए और बनवाइए। और कभी कश्मीर जा रहे हैं तो किसी वाजवान में खाइए और जाके वाजा से हाथ मिलाइए और बोलिए थैंक यू वेरी मच, तब जाके ये वीडियो का सर्कल होगा पूरा। अब आपको भी थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।